एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए, जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। एक बार जोरदार तालियां। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं, नीलू भैया को नमन करते हुए आप सभी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी, उनके साथ में बैठा ही अपने आप में एक सौभाग्य है, जिनको नीचे बैठकर बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महापुरुष, फिल्म स्टार, देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नीचे बैठकर सुनते हैं, उनके बगल में अगर हम बैठे हैं तो ये ईश्वर का वरदान है। चार पंक्तियाँ आदरणीय कुमार भैया के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, अगर आपको लगे ये फिट है तो एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजा दीजिएगा। धन संपदा वैभव अकूत भेज देता है, धन संपदा वैभव अकूत भेज देता है, माँ बाप हो अंधे तो श्रवण ऐसा पूत भेज देता है, किसी को बढ़ने से जब कोई रोके तो उसे बढ़ाने के लिए भगवान अपना दूत भेज देता है। हमारे लिए कुमार भैया एक दूत हैं, जो आए हैं। सर अभी कह रहे थे कि अगर किसी नेता के लिए या किसी दल के लिए कुछ कोई कवि कह जाए तो बुरा बिल्कुल नहीं मानना है, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, खासकर भाजपा वालों को तो कुछ नहीं कहूंगा। उसके दो कारण हैं सर, पहला कारण यह है कि मैं कानपुर में रहता हूं, दूसरा कारण यह है कि मैं कार से चलता हूं। कानपुर वाले की कार जिस दिन से पलटी थी हमने उसी दिन कसम खा ली कि बीजेपी वालों को हम बिल्कुल नहीं लपेटेंगे, नहीं वो कब हमको लपेट दें इसका कोई भरोसा नहीं है। एक बार ताली बजा के शुरू कर दीजिए, प्रशासन के बड़े लोग बैठे हैं, गौरव भैया को नमन करता हूँ, हमारे संतोष भैया कानपुर में थे, यहाँ पर आगे प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं। प्रशासन और पुलिस के लिए भी कुछ नहीं कहूँगा, पुलिस थाना चौकी आपने सुना होगा, थाना नाम हमारे कानपुर की देन है, थाना। अच्छा, हमारे यहाँ कानपुर के पुलिस वाले किसी को पकड़ के खंभा पकड़ाते हैं, दरोगा लट चलाता है, कहता है तू था, कहता है ना, कहता था ना, था ना, वहीं से थाना उत्पन्न हुआ है, वहीं से हुआ है। तो संतोष जी बैठे हुए हैं, तो मैं प्रणाम करता हूं। कानपुर आप कभी आइए, आप तो कानपुर के बगल में रहते हैं, हिंदुस्तान का सबसे विचित्र शहर अगर कोई है तो कानपुर है। मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूँ, हास्य कवि अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने ही स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ, एक किलो रुई और एक किलो लोहा दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूँ कि एक किलो रुई एक किलो लोहा जब दोनों एक किलो है तो लोहा कैसे भारी होगा, इसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको एक किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको एक किलो लोहा फेंक के मारते हैं। हाँ, ऐसी ताली बजाई गया, आप जान जाएंगे क्या भारी होगा। विजय भाई बैठे हैं। हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ, तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी की बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। बहुत अच्छा, तो मास्टर जी बड़ा होशियार होता है भाई साहब। मैं उसी कानपुर से आया हूँ, इतना अद्भुत शहर हमारा है। कभी आप बनारस जाइए, आप तो जाते ही होंगे, बनारस जाइए रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी आप जाइए, आप कभी आगरा जाइए वहां उतरिए, वहां लिखा रहता है आगरा का पीठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। मैं उसी कानपुर से आया हूं साहब, अभी दादा कुमार सर के आशीर्वाद से मैं लाफ्टर चैलेंज में पहुंचा। मैं जब वहां शूटिंग कर रहा था तो वहां से आया तो सर मेरी घड़ी खराब। मैंने गौरव भैया जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया, कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया, हमारी घड़ी खराब। हमने कहा टाइम क्या हो रहा है, तो हमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहाँ से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। और हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा टाइम ने बता दे, ये बता दे तेरा मूड क्यों खराब है। तो उसने कहा भाई साहब एक लड़की स्कूल, हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल में लगना बहुत भरे बैठे हैं। तुमने कहा ऐसा क्या है? कहने लगा है कुछ नहीं, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे, हम समझते थे हमसे प्यार करते हैं, इससे प्यार करते हैं, तो इसमें हुआ क्या? कहीं हुआ कुछ नहीं भाई साहब, हमारे नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम साले हमसे टाइम पूछ रहे हो, लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था, इस बार हाथ उठा के ताली बजाना, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है।
तो सब हमारा हमारा उत्तर प्रदेश सबसे अद्भुत है सर। तो हमारे दिल्ली से आए हुए हैं, आप कभी दिल्ली जाइए, बंबई जाइए, बंबई के लोग अगर पैसा आ जाए तो अपने बच्चों का कैरियर बनाने के लिए सर करोड़ों खर्चा करते हैं। हरियाणा के लोग अपने बच्चे को स्टार बनाते हैं, स्पोर्ट्स में भेजते करोड़ों खर्चा। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां कैरियर बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं। 250 का कुर्ता लीजिए, 350 का सफेद पैजामा, 50 रुपए का काला चश्मा, 40 रुपए के गले में डालने वाला अंगोछा। हमारे यहां तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट। ये केवल हमारे उत्तर प्रदेश में होता है सर। तो मैं उसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। लोग बड़ी तुलना करते हैं तुम्हारा उत्तर प्रदेश कितना नकारा है, कितने आलसी लोग हैं। अभी जब हरियाणा के बच्चे ने भाला फेंक के स्वर्ण पदक जीता, तो एक वीर रस के कवि ने हमसे कहा, अगर यही भाला हम पाकिस्तान में फेंक दें, पाकिस्तान तो निपट जाएगा। हमने कहा इसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती है, भाला इतना बड़ा, पाकिस्तान इतना बड़ा। चार लाइन में मैंने पाकिस्तान को निपटा दिया है, अगर वो निपट गया हो तो मुझे तालियां बजा के मुझे बताना। मैंने लिखा, कपड़े जिसपे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे, जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। हम लोग सब ऐसे ही निपटा देते हैं पाकिस्तान को। लोग बड़ी तुलना करते हैं, पाकिस्तान हमसे कहता है हम कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे। हमने कहा बेकूफ पाकिस्तान, सीमा हैदर तो हमसे ले नहीं पा रहे हो, तुम हमसे कश्मीर ले लोगे। तो लोग बड़ी सब तुलना करते हैं, कहते हरियाणा के लोग स्वर्ण पदक जीतेंगे, उत्तर प्रदेश के लोग कितने नकारा हैं। हमने कहा इसमें बहुत बड़ा अंतर है। हरियाणा का बच्चा सर सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले जाता है जिम, 4-5 घंटे जिम करता है, वहां से आता है 4-5 किलो फल खाता है, वो सो जाता है। शाम को 5 बजे फिर वो सो के उठता है, फिर वो जिम जाता है, फिर 4-5 किलो फल खा के 2-4 घंटे टहल के सो जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के कानपुर मल्लावा के 9:30 बजे सुबह सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। सबसे पहले वो जाता घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा के साथ एक सेल्फी लेता है, फेसबुक पे पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज रामकिशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। ताली हाथ उठा के बजाए एक बार जोरदार। क्या बारीक बात पकड़ी है भाई। ये हमारे उत्तर प्रदेश में होता था। शाम को वो सो जाता है, शाम को जब वो सो के उठता है संतोष सर, तो 7-8 लड़कों से जो बियर की बोतल खोलता है, उसी दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर खोल के फोन करता है, दरोगा जी नमस्कार पहचाना। अब दरोगा जी समझते गुरु समय इसके मुंह न लगो, इस समय तो उसके लगी हुई है। दरोगा उसका फोन काट देता है, फिर वही दरोगा 12 बजे मारते मारते उसको थाने लेके आता है। अब की सेल्फी डालता है वो दरोगा, गुड्डू भैया 100 ग्राम चरस के साथ धरे गए। फिर गुड्डू भैया की होती रात भर कुटाई, 3 दिन बाद लोकल विधायक उसकी पैरवी करता है, फिर वो छूट के आता है, फिर वो विधायक बनता है। हम कवियों को बुला के सुनता है, ताली बजा सकते हैं। गौरव भैया यहाँ के लिए नहीं है, हमें सुरक्षित कानपुर भी जाना है। तो हमारा उत्तर प्रदेश बहुत अद्भुत है। 2-4-5 मिनट केवल मैं आपके और रहूंगा। रश्मि जी, गजेंद्र प्रियांशु जी श्रृंगार के बहुत बड़े कवि हैं, ये लोग आएंगे, आपको प्यार मोहब्बत की बातें बताएंगे, भटकाने की कोशिश करेंगे। मैंने प्यार मोहब्बत के विषय में सर कोई कविता नहीं लिखी, ऐसा नहीं कि कोई प्रेमिका नहीं है। योगी जी की सरकार, जब योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं थी तो 15 प्रेमिकाएं थी। जिस दिन योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, हमने सबसे राखी बंधवा लिया, क्योंकि सर्वाधिक कुटाई किसी की यूपी में हुई तो प्यार करने वालों की। तो मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूँ सर, दूर से ले रहता हूँ, लड़कियों की बीमारी है। किसी लड़की से कोई क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उठपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, कहने लगी स्टूपिड कहीं के। कोई मेच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी। तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो मैं बहुत दूर रहता हूँ प्यार मोहब्बत से, मैं तो इतना दूर रहता हूँ। लड़कियों की एक बीमारी और है, किसी लड़की को आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो साहब मैं बहुत दूर रहता हूँ। हमारे गजेंद्र भाई हैं, कह रहे थे हेमंत नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा। सही कह रहे थे सर, नाम में कुछ नहीं रखा है, मुस्कान नाम था उसका, वो हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए तो 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग सही कहते हैं नाम में कुछ नहीं रखा, इन बेचारे लड़कों को देखिए, ये लड़कियों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं, माई हनी बेबी, माई डार्लिंग, माई स्वीट हार्ट, माई जानू। इन बेचारे लड़कों को देखिए, ये लड़कियों के नाम मोबाइल में सेव करते हैं, पप्पू हलवाई, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए जोरदार। तो हमारे साथ तो साहब ये होता है।
अभी सर हमको दुबई ले गए थे देश के सबसे बड़े मुशायरे में, तो जब मैं दुबई गया तो हमारी वाली ने सर फोन किया, कहने लगे हमने सुना है तुम दुबई में हो, तो हमने कहा सही सुना है, कहने लगे हमारे लिए एक सोने की चैन ले आना, हमने कहा क्यों, कहने लगे दुबई में एक तो सोना सस्ता है और जीवन भर में तुमको याद करती रहूंगी, तो हमने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी, उसने पूछा कैसे, हमने कहा जीवन भर सोचो कि हराम खोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था ये वहां से भी खाली है चला आया है, तो सर इसी चक्कर में कोई नहीं टिकता, और मैंने तो एक सबक लिया है आप भी ले लीजिए, अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए क्योंकि 7-8 हरामखोर उसका आंसू पोछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमारी हालत क्या हो गई है, अंतिम 4 पंक्तियां पढ़कर मुझे पूरे तालियों के साथ विदा कीजिएगा। एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए, जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। एक बार जोरदार तालियां।